अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध चितई मंदिर क्षेत्र में आगामी 5 नवंबर से भव्य गोलू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के साथ साथ देश भर की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन करना है। गोलू महोत्सव को लेकर आयोजन समिति ने बताया कि इस बार महोत्सव को विशेष रूप से भव्य बनाने के लिए उत्तराखंड के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान से सांस्कृतिक टीमें भी भाग लेंगी और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। साथ ही महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बता दें कि चितई मंदिर में आयोजित होने वाला गोलू महोत्सव अल्मोड़ा की पहचान बन चुका है और इसे हर साल स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के बीच भी बड़ी लोकप्रियता मिलती है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। गोलू महोत्सव का आयोजन हम यहाँ पर 5 तारीख से कर रहे हैं। सर्वप्रथम चितई मंदिर से हमारे चितई मंदिर पूजा अर्चना करने के बाद नंदादेव से शोभा यात्रा का आयोजन है, जो सिद्धिनौला से वापस हमारे यहाँ पर मल्ला महल में आएगी और उसी दिन से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिन से शुरू हो जाएंगे। इसमें उत्तराखंड की जो टीम है उसके साथ साथ हमने बाहर की संस्कृति का भी प्रचार, हमने यहाँ पर हम यहाँ के जो अल्मोड़ा की सम्मानित जनता है को उसको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। इसमें गुजरात की, महाराष्ट्र की, हरियाणा, राजस्थान का दल भी इसमें यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें हमारे सिंगर आपके ये इंदर आर्या, राकेश खनवाल जी, आपके महिपाल मेहता, नवीन पाठक, रुचि आर्या, सुरेश प्रसाद सुरीला और इस बार हमने थोड़ा एक नया प्रयोग भी कर रखा है। इसमें एक बैंड को भी हमने बुला रखा, द जर्नी करके जो बॉम्बे से बैंड भी इसमें आ रहा है, वो भी अपना यहाँ पर 9 तारीख को अपना प्प्रदर्शन करेगा और इसके साथ साथ 8 तारीख को युवा महोत्सव का आयोजन दिन में होना है, जिसमें सारी ब्लॉक की टीमें आके उसमें उस कम्पिटिशन में भाग ले रही हैं। और इसमें जो हमारी विलुप्त तो होती संस्कृति है झोड़ा, झोड़े का भी हमारे 15 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं और झोड़ा का आयोजन भी हमने 7 तारीख को यहाँ पर